आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का इंतजार सभी क्रिकेट फैंस काफी बेसब्री से कर रहे हैं। अब ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट का ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट है जो इस बार वेस्टइंडीज और यूएसए में खेला जाएगा। 1 जून 2024 से ये टूर्नामेंट शुरू होगा जो 29 जून 2024 तक खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें पार्टिसिपेट करने वाली है। 20 टीमों के बीच कुल 55 मैचेस खेले जाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले T20 वर्ल्ड कप 2024 में पार्टिसिपेट करने वाली सभी 20 टीमों के बारे में और उन सभी टीमों के कप्तान के बारे में कि आखिर वो कौन कौन से खिलाड़ी होंगे जो अपने अपनी टीम की तरफ से अपने अपने देश की तरफ से कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे T20 वर्ल्ड कप 2024 में, जहां इन 20 टीमों में से 7 से 8 टीमों के कप्तान भी बदल चुके हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहे। तो बात करते हैं सबसे पहले सभी 20 टीमों के बारे में जो इस बार खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप 2024। तो नाम है कुछ इस तरह से सभी टीमों का, जिसमें है यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि यूएसए, जबकि वेस्टइंडीज, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, पापुआ न्यू गिनी, कनाडा, नेपाल, ओमान और नामीबिया, जबकि युगांडा की टीम है। तो ये 20 टीमें खेलने वाली हैं। अब बात करें सभी 20 टीमों के कप्तानों के बारे में कि आखिर वो कौन कौन से खिलाड़ी होंगे जो अपनी अपनी टीम की तरफ से कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले पहली टीम, तो वह टीम इंडिया। तो भारतीय टीम की तरफ से कप्तानी कौन करेगा, ये बीसीसीआई और बीसीसीआई के सेक्रेटरी जयसा ने 100% कन्फर्म और फाइनल कर दिया है। जहां T20 वर्ल्ड कप से पहले यह क्यास लग रहे थे कि हार्दिक पांड्या T20 वर्ल्ड कप में कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे, वो इसलिए लग रहा था क्योंकि जहां मुंबई इंडियंस की टीम ने रोहित शर्मा की जगह पर हार्दिक पांड्या को आईपीएल 2024 के लिए अपना कप्तान अनाउंस कर दिया था, तो वहीं रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में लगातार हार्दिक पांड्या T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे थे। और सभी फैंस के मन में सबसे बड़ा सवाल यह भी था कि क्या रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, अगर खेलेंगे तो क्या बतौर खिलाड़ी खेलेंगे या फिर बतौर कप्तान खेलेंगे। तो आपको बता दें कि बीसीसीआई की सेक्रेटरी जयसा ने ऑफिशियल तौर पर अनाउंस कर दिया कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में टीम इंडिया की कप्तानी रोहित शर्मा करने वाले हैं। जी हां, रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे और टीम इंडिया को लीड भी करेंगे। हार्दिक पांड्या कप्तान नहीं होंगे, हार्दिक पांड्या को उपकप्तानी वाइस कैप्टन की जिम्मेदारी दी जाएगी। ये सब कुछ कंफर्म और फाइनल हो चुका है। तो वहीं दूसरी टीम पाकिस्तान की टीम है, जहां वर्ल्ड कप 2023 हारने के बाद पाकिस्तान की टीम में काफी कुछ बदलाव और चेंजेस हुए हैं। पहले कप्तान बाबर आजम हुआ करते थे, लेकिन अब बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान के कप्तान नहीं होंगे, बल्कि पीसीबी ने शाहीन शाह आफरीदी को पाकिस्तान का नया T20 कप्तान बनाया है और T20 वर्ल्ड कप 2024 में तेज गेंदबाज शाहीन शाह आफरीदी पाकिस्तान की तरफ से कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे और वाइस कैप्टन उप कप्तान मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर बैट्समैन को बनाया है पीसीबी ने। अब बात करें तीसरी टीम, तो वह ऑस्ट्रेलिया की टीम। ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ द बेस्ट टीम मानी जाती है। जब बात आती है फाइनल जीतने की, भारत के सामने इस टीम का परफॉर्मेंस हमेशा से ही नॉकआउट स्टेज में काफी शानदार रहता है। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से कप्तानी लगातार पैट कमिंस करते हुए आ रहे थे तीनों ही फॉर्मेट में, चाहे ओडीआई की बात करें या फिर टेस्ट या फिर T20 की। लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2024 से जस्ट पहले ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने काफी बड़ा फैसला लिया है। वो ये है कि पैट कमिंस T20 वर्ल्ड कप 2024 में कप्तानी नहीं करेंगे, बतौर खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई देंगे, जबकि कप्तान मिचेल मार्श रहेंगे, यानी कि कप्तानी मिचेल मार्श करते हुए दिखाई देंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से T20 वर्ल्ड कप 2024 में। आपको बता दें कि मिचेल मार्श एक शानदार ऑलराउंडर हैं और कप्तानी का भी काफी अच्छा खासा अनुभव है। बात करें चौथी टीम, तो वह वेस्टइंडीज। अब विंडीज की टीम में कप्तानी को लेकर खासतौर पर ज्यादा विवाद होते रहते हैं। चाहे से पहले निकोलस पुरन इस टीम के कप्तान थे, लेकिन इनकी कप्तानी में इस टीम का परफॉर्मेंस काफी खराब रहा था और इसी वजह से विंडीज क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया था, रोमन पॉवेल को वेस्टइंडीज का T20 कप्तान नियुक्त कर दिया था। अब ऐसे में T20 वर्ल्ड कप 2024 में रोमन पॉवेल वेस्टइंडीज की तरफ से कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। इस टूर्नामेंट से पहले कप्तानी में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। रोमन पॉवेल टीम को लीड करेंगे आगामी T20 वर्ल्ड कप 2024 में वेस्टइंडीज की तरफ से। बात करें पांचवी टीम, तो वह दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की तरफ से कप्तानी एडन मार्करम करने वाले T20 वर्ल्ड कप 2024 में, जो काफी शानदार खिलाड़ी हैं। जबकि छठी टीम न्यूजीलैंड की टीम है। अब न्यूजीलैंड के कप्तान जो परमानेंट कप्तान हैं केन विलियमसन, वो लगातार इंजरी से जूझ रहे थे, जिसकी वजह से बीच में कई बार कप्तान अलग अलग दिखाई दिए T20 फॉर्मेट में, जो न्यूजीलैंड की तरफ से कप्तानी करते हुए दिखाई दिए थे। जहां कई बार टीम साउथी तो कई बार मिचेल स्टेटनर कप्तानी करते हुए दिखाई दिए न्यूजीलैंड
की तरफ से केन विलियमसन की गैर मौजूदगी में। लेकिन अब न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन पूरी तरह से फिट हो चुके हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी कंफर्म कर दिया कि केन विलियमसन ही न्यूजीलैंड की तरफ से कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे आगामी T20 वर्ल्ड कप 2024 में। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन वन ऑफ द बेस्ट कप्तानों में से एक माने जाते हैं। बात करें सातवीं टीम तो वह बांग्लादेश की टीम। अब बांग्लादेश की तरफ से कभी कप्तानी तमीम इकबाल तो कभी साकिब उल हसन तो कभी लितन दास करते हुए आ रहे थे। लेकिन अब T20 वर्ल्ड कप 2024 से जस्ट पहले ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी किया जिसमें बताया कि बांग्लादेश की तरफ से कप्तानी अब नजमुल हसन सांतो ही करते हुए दिखाई देंगे। T20 ODI और टेस्ट तीनों ही फॉर्मेट में T20 वर्ल्ड कप 2024 में ये अपनी टीम को लीड करने वाले। तो वही बात करें आठवीं टीम की तो आठवीं टीम है श्रीलंका। श्रीलंका के जहां पहले परमानेंट कप्तान दसुन सनाका हुआ करते थे जो काफी शानदार कप्तान भी रह चुके हैं। लेकिन अब श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने इन्हें कप्तानी से हटा दिया है और इनकी जगह पर अब T20 फॉर्मेट का नया कप्तान वरिंदु हरसंगा स्पिनर ऑलराउंडर को बना दिया है जबकि वाइस कैप्टन चरिता आसलांका को बनाया है। अब ऐसे में T20 वर्ल्ड कप 2024 में श्रीलंका की तरफ से दसुन सनाका नहीं बल्कि वरिंदु हरसंगा कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। तो वही नवी टीम अफगानिस्तान की टीम है जो एक उभरती हुई टीम मानी जा रही है। बड़ी बड़ी टीमों को हराने का यह टीम दमखम रखती है। अब राशिद खान की गैर मौजूदगी में इस टीम की कप्तानी लगातार इब्राहिम जादरान करते हुए दिखाई दे रहे थे T20 फॉर्मेट में। लेकिन आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में राशिद खान अफगानिस्तान की तरफ से कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे और इब्राहिम जादरान उप कप्तान यानी कि वाइस कैप्टन होंगे अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कंफर्म कर दिया है। तो वही दसवीं टीम आयरलैंड की टीम है जहां आयरलैंड की तरफ से कप्तानी पॉल स्टर्लिंग करने वाले। तो ये थी 10 टीमें। अब बात करें बाकी की 10 टीमों के कप्तानों के बारे में तो उससे पहले अगर आप भी डेली IPL और क्रिकेट की वर्ल्ड में सबसे फास्ट सबसे पहले हर एक न्यूज अपडेट्स और वीडियोस सबके लिए ड्रीम 11 फैंटेसी टीम बिल्कुल फ्री में मुफ्त में पाना चाहते हैं तो अभी फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। लिंक पर क्लिक करिए, टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बनिए। यहां पर सभी अपडेट्स सबसे पहले दी जाती हैं यूट्यूब से पहले भी। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। 11वीं टीम कनाडा की टीम है जहां आप कनाडा की तरफ से कप्तानी साद बिन जफर करने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 में। तो नंबर 12 पर चलिए बात कर लेते हैं इंग्लैंड टीम के बारे में। तो इंग्लैंड का परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप 2023 में काफी निराशाजनक काफी खराब रहा था जोस बटलर की कप्तानी में। लेकिन आगामी T20 वर्ल्ड कप 2024 में एक बार फिर से जोस बटलर ही इंग्लैंड की तरफ से कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि इस टीम के पास ऑप्शन बेन स्टोक जैसे खिलाड़ियों का भी है लेकिन जोस बटलर इनके फिलहाल कप्तान है। तो वही 13वीं टीम है USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब इस टीम की कप्तानी T20 वर्ल्ड कप 2024 में मोनक पटेल करते हुए दिखाई देंगे। तो वही नंबर 14 नामीबिया की टीम है। इस टीम की तरफ से कप्तानी T20 वर्ल्ड कप 2024 में गेहार्ट एरास्मस करते हुए दिखाई देंगे। जबकि नंबर 15 पर है स्कॉटलैंड की टीम। इस टीम की कप्तानी रिची ब्रिंगटन करते हुए दिखाई देंगे T20 वर्ल्ड कप 2024 में। जबकि नंबर 16 पर ओमान की टीम है। इस टीम की कप्तानी जीशान मकसूद करते हुए दिखाई देंगे आगामी T20 वर्ल्ड कप 2024 में। नंबर 17 पर नीदरलैंड्स की टीम है। इस टीम के कप्तानी स्कॉट इटफर्ट जो निभाएंगे कप्तानी की जिम्मेदारी आगामी T20 वर्ल्ड कप 2024 में। नंबर 18 पर है युगांडा की टीम। इस टीम की कप्तानी ब्रायन मसाबा करते हुए दिखाई देंगे। जबकि नंबर 19 पर है नेपाल की टीम और इस टीम को लीड करेंगे रोहित पौडेल जो नेपाल के वन ऑफ द बेस्ट कप्तान माने जाते हैं। नंबर 20 पर है पपुआ न्यू गिनी। इस टीम की कप्तानी असद वाला करते हुए दिखाई देंगे जो काफी शानदार खिलाड़ी हैं। तो ये T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए सभी 20 टीमें और सभी 20 टीमों के कप्तान।